गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसको डिस्कस करने के लिए। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जुलाई 2019 का जजमेंट है। इस जजमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रणीत देसाई के केस में गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट, जहां प्रोविजनल अटैचमेंट या बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए जो डिपार्टमेंट एक्शंस ले रहा है उसके बारे में बात किया गया था कि आप कब बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आजकल चल रहा है, दैट इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट। लेट्स से इंटरेस्ट लगता है डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पे, मैंने अगर रिटर्न डिले भरा तो बाय डिफॉल्ट उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी मेरी अराइज होती है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जब पढ़ते हैं तो कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसा हो रहा है कि इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा ना कि नेट अमाउंट पे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करूं तो 1 करोड़ रुपए का अगर मेरा लायबिलिटी है और लेट्स से 95 लाख का मेरा क्रेडिट है, तो अगर मैं पिछले लॉज में बात करूं एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, तो वहां पे हम सेनवेट को लेस करके जितना कैश में पेमेंट करते थे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते थे, यानी मेरे एग्जांपल में 5 लाख रुपए के ऊपर। बट जीएसटी का जब 50 सबसेक्शन 1 हम देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और वो कन्फ्यूजन इस तरीके से क्रिएट हुआ कि आपको 5 लाख पे नहीं पूरे 1 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और ये बहुत ही, आई वुड से बहुत ही हार्श इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है और बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप कॉज करने वाला इंटरप्रिटेशन है। काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुए, जीएसटी काउंसिल ने 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया कि हम एक्ट को अमेंड करेंगे और वो अमेंडमेंट से हम इंटरेस्ट जो है वो नेट पे लगाएंगे। इन्होंने अभी फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में, जो 5 जुलाई को हुआ था और 1st अगस्त से एप्लीकेबल हुआ, इफेक्टिव अभी नहीं हुआ लेकिन लोकसभा से क्लियर हो गया, उसके अंदर एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो भी डाल दिया है, जहां उन्होंने बोला है कि अगर 73-74 की प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट पे नहीं चल रही तो आपको इंटरेस्ट उसी पे लगेगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरेंगे, यानी जो आप कैश में भरेंगे और जो नेट अमाउंट होगा। मेरे एग्जांपल में 1 करोड़ माइनस 95 लाख, 5 लाख रुपए आप कैश में भरेंगे तो 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा उन्होंने प्रोविजन लिया है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, उसके लिए हमने काफी पहले भी डिस्कशंस किए हैं, तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में उससे कोई रिलेशन नहीं है। इस जजमेंट में ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया और टैक्स पेयर को, यानी एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, उन्होंने एक लेटर देके डिमांड किया इंटरेस्ट का और टैक्स का, और जो उन्होंने इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया वो इंटरेस्ट उन्होंने ग्रॉस फिगर पे कैलकुलेट किया। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या एक लेटर से वो कोई भी टैक्स को लेवी कर सकते हैं या इंटरेस्ट को लगा सकते हैं या इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को बेसिकली कोर्ट ने एग्जामिन किया, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया और अपना डिसीजन प्रोनाउंस किया। मेन 3 मुद्दे थे जिसके लिए इस पर्टिकुलर रिट पिटीशन में रिलीफ की डिमांड की गई। रिट पिटीशन नंबर था 2887-6/2019 ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। पहला रिलीफ यह था कि जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक ये क्रेडिट मुझे अलाउ नहीं कर रहे, और जो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट पे भी लग रहा है। हम ये वीडियो में क्योंकि ये केवल एनालिसिस इस पर्टिकुलर केस का कर रहे हैं तो लीगैलिटीज पे और फैक्चुअल केसेस उस पे नहीं जाते कि 50 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 39(7) क्या बोलता है, क्यों इस पे नेट की लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लगना चाहिए, और अगर ये एक्सप्लेनेशन या अगर ये अमेंडमेंट आया तो क्यों ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्यों ये प्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, विल नॉट डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। बट ये है कि पहला रिलीफ जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि 50 सबसेक्शन 1 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर वो इंटरेस्ट
इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट पे भी लगाता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो लेटर आया जिससे उन्होंने टैक्स की डिमांड की, उस लेटर को क्वैश कर दिया जाए। और तीसरा, उन्होंने बोला कि आप कोई ऐसी रिट को इशू करें जो अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट को सेट असाइड करे। अब फ्रेंड्स, इसमें तीन मुद्दे कवर हुए। इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगना, तो इसको पिटिशनर ने ज्यादा प्रेस नहीं किया और प्रेस नहीं करने की वजह से कोर्ट भी इसमें साइलेंट रहा और उन्होंने कोई भी ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज हुआ कि उन्होंने जो लेटर से रिकवरी की या रिकवरी के लिए जो लेटर इशू किया कि आपका इतना टैक्स होता है और इतना इंटरेस्ट होता है जो आपको भरना है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया कि नहीं, अगर आपको इस एक्ट में, इस लॉ के तहत कोई भी रिकवरी अगर करनी है, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इवन सिंगल रुपी रिकवर करना है तो आपको शोकॉज नोटिस देना कंपलसरी है। आप विदाउट शोकॉज नोटिस कोई भी डिमांड नहीं मांग सकते, डिमांड का नोटिस नहीं भेज सकते, शोकॉज नोटिस ही आपको भेजना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू हैव नॉट गिवन अ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपने वायलेट किया। फ्रेंड्स, जो बैंक अकाउंट फ्रीज का बात था, तो हम ऑलरेडी प्रणीत देसाई में डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट का। उसके पहले अगर और कुछ से रिकवरी हो सकती है, प्लस रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू को प्रोक्योर करने के लिए, कोई सेफ गार्ड करने के लिए ही आपको बैंक अकाउंट को फ्रीज करना है। इस केस में भी बैंक अकाउंट को अटैच किया गया इस रिकवरी के लिए, और डिपार्टमेंट का ये कंटेंशन था कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ये बोलता है कि आपको कोई शोकॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि ये जो सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 है, अगर आप उसको देखें, इट इज ओनली इन रिलेशन टू सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि अगर मैंने कोई टैक्स सेल्फ असेस किया, उसको रिटर्न में दिखा दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए मुझे शोकॉज नोटिस नहीं देना। लेकिन जो अमाउंट डिपार्टमेंट असर्टेन कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है, उसके लिए मुझे शोकॉज नोटिस देना कंपलसरी है। जब तक मैं शोकॉज नोटिस नहीं देता, मैं उस अमाउंट को डिमांड नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं, तो ये जजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया है कि डिपार्टमेंट को जब भी कोई रिकवरी करनी हो, चाहे वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो या पेनल्टी की हो, उसको या तो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 दोनों में से किसी सेक्शन में शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, और शोकॉज नोटिस इशू होने के बाद ही एडजुडिकेशन प्रोसेस होगा और उसके बाद ही कोई रिकवरी इनिशिएट हो पाएगी। सो द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज सेक्शन 73-74 का शोकॉज नोटिस, अगर आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में ग्रॉस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लेना है तो भी इशू करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे डिपार्टमेंट ने एक लेटर भेजा, जैसे मेरे एग्जांपल में 1 करोड़ की आपकी लायबिलिटी थी, 95 लाख की क्रेडिट थी, मैंने 5 लाख रुपए का कैश पेमेंट 15 दिन के बाद किया, तो 15 दिन का 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं, आपको पूरा 1 करोड़ पे इंटरेस्ट देना था, और ये 1 करोड़ रुपये इंटरेस्ट ये 25 लाख रुपये होता है, उसने कैलकुलेट करके आपको एक लेटर दे दिया और ये बोला कि आप इसको अर्जेंट बेसिस पे 7 दिन में भरे, लेट से एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आप 7 दिन में नहीं भरते थे तो वो आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सो यहां आपको ये एक जजमेंट मिल रहा है जो LC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने लेट डाउन किया कि आप शोकॉज नोटिस के दिए बिना आप डिमांड नहीं कर सकते टैक्स का, इंटरेस्ट का या पेनल्टी का। प्लस आप बैंक अकाउंट आपको फ्रीज करना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर चैनल या प्रॉपर तरीके से ही जाना पड़ेगा, जो सेक्शन 83 में लेट डाउन है। तो फ्रेंड, सेक्शन 73 एंड 74 का नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना डिपार्टमेंट चाहे भी, अगर शॉर्ट पेमेंट है तो भी वो रिकवरी नहीं कर सकता या प्रेशर नहीं कर सकता
और खास तौर से प्रोविजनल अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अनलेस देर आर स्ट्रॉन्ग रीजंस टू बिलीव कि अगर ये अटैच नहीं किया गया और लास्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट को अटैच करना, और अगर वो नहीं किया गया तो इट विल बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, या वो बंदा एब्सकॉन्ड हो जाएगा या वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ही वो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर पाएंगे। विद दिस फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी द पेशेंस हियरिंग।